पांच दिनों तक चलने वाले दीपों के उत्सव दीपावली की हो गई है शुरुआत। दीपावली को पंच पर्व भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत तेरस यानी कि त्रयोदशी की तिथि से होती है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान भी है। धनतेरस को धन दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन धन की देवता कुबेर, धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की पूजा होती है और इस दिन धन और सेहत का मिलता है वरदान। तो आपके पास सेहत और धन का वरदान पाने का सुनहरा मौका है। आज हम आपको धनतेरस से जुड़ी हर बात बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी होगी आपके लिए शुभ। घर में होगा शुभता का प्रवेश, कुबेर करेंगे धन दौलत से मारामाल, धनवंतरी देंगे सेहत का वरदान। सज गए हैं बाजार, हर तरफ है जोश और उत्साह। दीपावली से पहले धनतेरस की ये रौनक है। धनतेरस पर देश के हर शहर के बाजार जगमग कर रहे हैं। धनतेरस से शुरू होने वाले पांच दिनों के दिवाली के त्योहार में कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का पांच दिनों का त्योहार शुरू होता है और धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से हमारे घर में धन समृद्धि होती है। इसी आराधना पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहा जाता है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, इस दिन जिसने भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इसकी पौराणिक मान्यता ऐसा है, शास्त्रों के अनुसार इस कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को भगवान श्री धन्वंतरी जो हैं समुद्र मंथन के समय भगवान श्री धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोने चांदी तांबे पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। इस बार आपके पास खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, गौर से देखिए। पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:30 से शुरू होकर 8:08 तक रहेगा। उस दिन विधिवत भगवती लक्ष्मी तथा कुबेर के साथ साथ भगवान श्री धन्वंतरी की आराधना किया जाता है। यह लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त होता है वह स्थिर लग्न होता है, और स्थिर लग्न जो है वह चार लग्न स्थिर लग्न है, जैसे वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक एवं कुंभ को स्थिर लग्न माना गया। दो दो घंटे का एक एक लग्न का जो समय होता है वह दो दो घंटे का है, और इस वर्ष यह जो लग्न हमें प्राप्त हो रहा है मध्यान काल अर्थात दोपहर 12:53 से, जो पहला मुहूर्त होगा शुभ मुहूर्त पूजन करने का वह दोपहर 12:53 से 2:24 का जो समय होगा वह कुंभ लग्न का समय होगा, स्थिर लग्न। इसमें भी आराधना करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही जो दूसरा लग्न हमें प्राप्त होगा वह सायंकालीन प्रदोष काल में,
वह जो है प्रदोष काल में 5:30 से प्रारंभ होकर के 7:27 तक का जो समय होगा लक्ष्मी की आराधना करने के लिए, वह उत्तम समय हमें त्रयोदशी पर प्राप्त हो रहा है। और तीसरा लग्न रात्रि काल, जो लोग रात्रि में आराधना करते हो भगवती लक्ष्मी की, उनके साथ साथ कुबेर तथा भगवान श्री धन्वंतरी का, उनके लिए जो है वह सिंह लग्न रात्रि 11:58 से लेकर के 2:52 तक का जो समय होगा यह स्थिर लग्न और सिंह लग्न का उत्तम समय भगवती लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर तथा धन्वंतरी की आराधना के लिए उत्तम समय है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीजें खरीदना बेहद जरूरी है। जो भगवान धन्वंतरी हैं उनका धातु, जो प्रिय धातु, समस्त हर देवताओं का अलग अलग धातु प्रिय होता है, तो इनका जो धातु है वह पीतल इनको प्रिय है। इसीलिए पीतल से निर्मित कोई भी, जैसे पीतल का कलश खरीद सकते हैं, पीतल का धूपदानी, दीप दिखाने वाला पीतल का परात, ऐसी चीज खरीदना चाहिए हमें। जिससे नहीं तो भगवान की मूर्ति भी हम खरीद सकते हैं और पीतल से निर्मित कोई भी बर्तन हम खरीद सकते हैं। धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीदें, गणेश और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्तियां खरीदें, खील बताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें, अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीदें। इसकी पूजा धनतेरस के दिन करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो धनतेरस के दिन किसी अस्पताल में दवाइयां या फल बांटने से या किसी गरीब का इलाज करवाने से धन्वंतरी की विशेष कृपा होगी और पूरे साल बेहतर रहेगी आपकी सेहत। धनतेरस पर और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। धन त्रयोदशी के दिन हमें धारदार चाकू नहीं खरीदना चाहिए, कैंची नहीं खरीदना चाहिए, सुई इत्यादि इन सब चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। और विशेष करके लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए धन तेरस पर झाड़ू अवश्य ही खरीद करके अपने घर में लाना चाहिए। झाड़ू जो होता है वह भगवती लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अवश्य ही इन सारी चीजों को हमें खरीद करके लाना चाहिए। उस दिन भगवती लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है, तो इसलिए इन सारी चीजों का विशेष करके हमें ध्यान देना चाहिए। धनतेरस के पहले ही कर लें दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धन्वंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या स्टील के ही बर्तन खरीदें। दिवाली के लिए गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति भी इसी दिन खरीदें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर नहीं लाना चाहिए। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी, चावल या किसी अनाज से भरकर ही घर के अंदर लाएं। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीप दान करने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। धनतेरस मतलब लक्ष्मी जी को खुश करने का दिन। दिवाली से पहले इस दिन का इंतजार सभी को रहता है।